नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। एक रीसेंट अनाउंसमेंट किया गया डसॉल्ट ग्रुप के द्वारा, जहां पे बताया गया कि यूपी के नोएडा में एक मेंटेनेंस फैसिलिटी खुलने वाला है और ये मेंटेनेंस फैसिलिटी बस दो फाइटर जेट्स को मद्देनजर रखते हुए खोली जाएंगी। सबसे पहला रहेगा रफेल फाइटर जेट और दूसरा रहने वाला है मिराज जेट। ये न्यूज भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और खास करके भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम तीन चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे डसॉल्ट ग्रुप के बारे में और दूसरा हम फोकस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मेंटेनेंस फैसिलिटी के रिगार्डिंग हमारे पास अभी तक क्या जानकारी है और तीसरा हम जानेंगे कि आखिर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिसर्च और ओवरहॉल का मार्केट साइज कितना है। इसमें से कोई दो राय नहीं है कि यूएस एविएशन हो गया या उनके वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दुनिया के डिफेंस को रूल करते हैं, लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि उनके कॉम्पिटिशन में और कोई दूसरा देश नहीं है। अगर हम सिर्फ बात करें डसॉल्ट एविएशन या डसॉल्ट ग्रुप के बारे में, तो जैसा कि भारत में टाटा ग्रुप है और उनके अलग अलग सर्विसेज हैं, वैसे ही कुछ हम लमसम समझ लें डसॉल्ट ग्रुप के बारे में, जहां पे इनका जो मेजर बिजनेस है वो एविएशन रिलेटेड बिजनेस है। डसॉल्ट ग्रुप को साल 1929 में मार्सेल डसॉल्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये वही टाइम पीरियड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली, तो वो जो पूरा एटमोसफियर था वो और सब चीजों को छोड़ के किस तरीके से अलग अलग देश या जो कॉलोनाइजर थे उनका फोकस बस इसी बात के ऊपर था कि वो किसी भी तरीके से अपने मिलिट्री को और भी स्ट्रॉन्ग करें। तो उसी कुछ सर्कमस्टांसेस में पैदा होता है डसॉल्ट एविएशन या डसॉल्ट ग्रुप। साल 1929 में तो डसॉल्ट एविएशन या डसॉल्ट ग्रुप का एक प्रॉपर तरीके से नाम रखा जाता है, लेकिन उसके पहले ही इनकी शुरुआत हो गई थी साल 1918 में। जैसा कि मैंने बताया कि डसॉल्ट एविएशन को मार्सेल डसॉल्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन मार्सेल डसॉल्ट का जो लास्ट नेम था वो डसॉल्ट होने के पहले वो बलूच था। तो कहने का मतलब है कि वो अपना लास्ट नेम को चेंज करके डसॉल्ट कर लेते हैं। तो 1918 के आसपास ये फ्रेंच आर्मीज को या खास करके उनके एयरफोर्स को टू सीटर्स एयरक्राफ्ट बना के दिया करते थे। एविएशन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है उनका ये मानना है कि अगर किसी भी तरीके से कोई कंपनी या इनफैक्ट देश अगर फाइटर जेट्स या कॉमर्शियल प्लेन के इंजन वगैरह अगर वो बनाना सीख लेते हैं या उस पर अगर उनका एक्सपर्टीज हो जाता है, तो मोर और लेस आप ये मान के चले कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होता है वो भी वो बना लेते हैं। इन्हीं सब में फिर साल आता है 1960, जहां पे सबसे पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो एक्सपीरियंस था उसको यूज किया जाता है सिविल एयरक्राफ्ट में, और उसके बाद ट्विन इंजन बिजनेस जेट बनाया जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बनाने का और मेंटेन रिपेयर करने का। तो इसीलिए भी इनके जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी इनका काफी अच्छा एक्सपर्टीज था, और फिर समय के साथ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करते रहते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि आज के डेट में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री और सिविल एविएशन कंपनी बन चुकी है डसॉल्ट एविएशन। जब भी कोई टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होता है तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने का भी कीमत काफी हाई होता है। तो वैसा ही कुछ जब हम फाइटर जेट्स के बारे में बात कर ले या कोई भी ऐसा हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ले इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो उसको मेंटेन ऑपरेट करना भी काफी मुश्किल होता है। तो वैसे ही हमको समझ ले रफेल के बारे में भी, क्योंकि फ्रांस और भारत के जो संबंध है वो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि रशिया के बाद हमारे फ्रांस के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, और बहुत सालों से भारत अपने डिफेंस को लेके रशिया के बाद बहुत हद तक फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, और शायद इसी अच्छे रिलेशन के वजह से डसॉल्ट एविएशन ये सोच रहा कि वो भारत को अपना एक बहुत ही बड़ा मेंटेनेंस फैसिलिटी की तरह इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है हमारे लिए वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस आने वाला है कुछ सालों में, जहां पे लगभग 100 साल से भी ऊपर की कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जितने भी लोग हमारे बीच में अखबार पढ़ते हैं उनको ये पता है कि भारत फ्रांस से 36 रफेल फाइटर जेट लिया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं जहां पे हम इंडियन नेवी को भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम रफेल फाइटर जेट दें। और ऐसा ही कुछ सोचना है डसॉल्ट एविएशन का भी, जहां पे जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कुछ हम 114 और फाइटर जेट लेने वाले हैं डसॉल्ट एविएशन से, जिसका कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाला है मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जहां पे एज पर मीडिया रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि भारत कुछ 170 फाइटर जेट्स लेने वाला है डसॉल्ट एविएशन से। खास करके मैं रफेल के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे कुछ नंबर्स जाएंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास, कुछ जाएंगे हमारे इंडियन नेवी के पास, और इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। तो इसी के साथ अगर
भारत किसी भी तरीके से 176 फाइटर जेट्स ले लेता है तो भारत फ्रांस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रफेल फ्लीट को ऑपरेट करने वाला फोर्स बन जाएगा। क्योंकि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है उनको अपने कंपनीज को प्रमोट करने के लिए ये दिखाना ही पड़ेगा कि उनकी भी जो फोर्सेस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं रफेल्स के फाइटर जेट। यहाँ पे एक बात बहुत ही साफ कर दूं कि रफेल फाइटर जेट के बारे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। क्योंकि जो डिफेंस डील होते हैं ये एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल होते हैं और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और किसी भी तरीके से अगर सरकार बदल जाते हैं तो बहुत सारे जो प्लान्स वगैरह होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। रफेल फाइटर जेट के बारे में इनिशियली ये कहा गया था कि हमारे इंडियन नेवी कुछ 57 फाइटर जेट्स को ऑर्डर किए थे जिसको कि बाद में रिड्यूस करके 26 कर दिया गया था। यहाँ पे हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि भले रफेल एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है लेकिन हमें खुद के भी जो इंडस्ट्री है उनको भी प्रमोट करना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सीमित पैसा होता है, उसी सीमित पैसे का आपको इस्तेमाल करना होता है। या तो आप बाहर से चीजों को खरीद के ले आए या तो इंडिजियस आप प्रोड्यूस करें, तो जब आप चीजों को इंडिजियस या देश के अंदर जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें काफी पैसे लगते हैं और टाइम कंजम्पशन भी काफी होता है। कुछ साल 2012 के आसपास से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रहे थे कि वो रफेल फाइटर जेट को लेंगे, लेकिन क्योंकि जो डिफेंस डील होता है इसमें ह्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे का, तो जो राइवल कंपनीज होते हैं वो आपके देश के बारे में या उस डील के बारे में कुछ इस तरीके से र्यूमर्स फैलाते हैं जहां पे उस डील को लोग बहुत ही शक की निगाहों से देखें, यानी कि वो किसी भी तरीके से मीडिया में कुछ र्यूमर्स फैलाते हैं जहां पे वो ये कहते हैं कि इस डील में घोटाला हुआ। तो जब हम इन सब चीजों को न्यूज को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को और भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने 36 रफेल जेट्स को ऑर्डर किया है और इसके बाद हम और भी ऑर्डर करने वाले हैं एज पर मीडिया रिपोर्ट, इससे क्या हुआ है कि डसॉल्ट एविएशन को खास करके उनके जो फाइटर जेट्स वाले सेगमेंट है उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। जहां पे अगर हम बात करें तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं और आने वाले दिनों में हम फ्रांस के साथ मिलके न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भी बनाने वाले हैं जहां पे 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाला है। तो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, आप लमसम कुछ समझ लें कि जो फ्रांस के जो इंजीनियर्स रहेंगे या उस कंपनी में जो काम करने वाले लोग रहेंगे वो भारत में आएंगे और भारत के जो लोग रहेंगे वो उनके साथ काम करेंगे। तो इस चीज को अगर आप सिर्फ इमेजिन ही करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई कंपनी जो 100 सालों से भी पुरानी कंपनी है, जिनका इतना वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री में, उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहेगा शायद ही आप उसको शब्दों में बयान कर सकते हैं। अब जरा हम जान लेते हैं कि आखिर में ग्लोबल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल मार्केट का साइज क्या है। तो साल 2022 के डेटा के हिसाब से कुछ 78.60 बिलियन का ये मार्केट है और इसका जो मार्केट ग्रोथ है वो आने वाले सालों में और भी बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से जो हमारे इंजीनियर्स या जो हमारे लोग रहने वाले हैं अगर वो एक कंपनी को सक्सेसफुली देश में सर्विस दे सकते हैं तो इससे क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिस एटमॉस्फेयर को देख के और भी जो अलग अलग देशों के एविएशन कंपनीज होंगे वो आपके देश में आके इंटरेस्टेड होंगे। अगर मैं सिर्फ बात करूं बोइंग के बारे में तो बोइंग अपने जो मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल का जो पूरा सिस्टम है उसको खुद के कंपनी में रखा है। इससे क्या होता है कि बोइंग अपने जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, और क्योंकि जो एविएशन इंडस्ट्री होते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी रिस्की होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जब आप चीजों को आउटसोर्स करते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है वो क्वालिटी में देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर भारत मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल में एक अच्छा मार्केट बना लेगा तो ये जो एक नोशन होता है कि कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो ना हो जाए अगर हम अपने चीजों को आउटसोर्स करते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। सो मोर और लेस ये सब कुछ वैसे इंडस्ट्री होते हैं जहां पे बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि यहां पे काफी हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो इसीलिए यहां पे जो कॉम्पनसेशन या जो पैसे मिलते हैं वो भी काफी ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर हम समझना चाहें तो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत में अपने मेंटेनेंस फैसिलिटी को खोलने का जो न्यूज है ये अपने आप में काफी पॉजिटिव है, और हम यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द डसॉल्ट एविएशन अपने मेंटेनेंस यूनिट को यहाँ पे खोले।